स्टूडेंट्स आज हम लोग हिंदी कक्षा में पार्ट सात दान का हिसाब कहानी पढ़ेंगे बच्चों ये बहुत अच्छी स्टोरी है आशा करूँगी आपको भी पसंद आए तो चलिए हम रीडिंग से इसकी शुरुआत करते हैं मैं बाद में आपको इस पार्ट का सारांश और आज का क्लास वर्क समझाऊँगी ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं दान का हिसाब एक था राजा राजा जी लग तक कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे लग दग कपड़े मतलब महंगे कपड़े ठीक है पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था एक बार उस देश में अकाल पड़ गया पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे राजा के पास खबर आई वे बोले यह तो भगवान की मार है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है लोगों ने कहा महाराज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं दो वक्त की रोटी नहीं जुटती इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था ना जाने रोज कितने ही लोग फूक से मरने लगे लोग फिर राजा के पास पहुँचे उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते सिर्फ दस हजार रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे राजा ने कहा दस हजार रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं और उतने कर्ज से जीवित रहकर लाभ ही क्या है एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे धन का सागर हो उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दो एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया वह गुस्से से बोला खुद भिकारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो मेरा रुपया है मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर मेरी मर्जी तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए राजा हंसते हुए बोला छोटे मुँह बड़ी बात अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था पहरेदारों की खुराक दो चार दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती मगर सौ दो सौ से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा एकदम दस हजार मांग बैठे छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है दो दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा दाता कर्ण महाराज बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ मैं अधिक धन का क्या करूँगा मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दोगुना फिर तीसरे दिन उसका दोगुना फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दोगुना इसी तरह से प्रतिदिन दोगुना लेता जाता हूँ भिक्षा देने का भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है राजा बोला तरीका तो समझ गया मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असल बात है दो चार रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है मगर एकदम से बीस पचास मांगने लगे तब तो बीस दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी सन्यासी ने हँसते हुए कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूँ आज मुझे एक रुपया दीजिए फिर बीस दिन तक दोगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा इस तरह दो दिन बीते दस दिन बीते दो सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारे ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे उसने यह बात मंत्री को बताई मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी मगर अब कोई उपाय भी नहीं है महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता इसके बाद फिर कुछ दिन बीते भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया वह अपना पसीना पूछकर सिर खुजलाकर कर, कर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला यह क्या कह रहे हो अभी से इतना धन चला गया है तब फिर बीस दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे भंडारी बोला जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है मंत्री ने कहा तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो भंडारी हिसाब करने बैठ गया मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी दस लाख अड़तालीस हज़ार पाँच सौ पचहत्तर रुपये मंत्री गुस्से में बोला मजाक कर रहे हो यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूंगा? आप ही हिसाब देख लीजिए या कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया हिसाब दे मंत्री जी को चक्कर आ गया सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए राजा ने पूछा क्या बात है मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है राजा ने पूछा वह कैसे मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब दस लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं भंडारी को बुलाओ मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए राजा ने उसे एक बार देखा दो बार देखा इसके बाद वह बेहोश हो गया काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा बोला दुहाई है सन्यासी महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा फिर राजकोष कैसे चलेगा सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं मुझे उनके लिए केवल पचास हजार रुपये चाहिए वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि लोगों के लिए दस हजार रुपये ही बहुत होंगे सन्यासी ने कहा मगर आज मैं कहता हूँ कि पचास हजार से एक पैसा कम नहीं लूंगा राजा गिड़गड़ाया मंत्री गिड़गड़ाए सभी गिर मगर सन्यासी अपने वचन पर टटा रहा आखिरकार लाचार होकर राजकोष से पचास हजार रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से पचास हजार रुपये राहत में दिए गए हैं सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। बच्चों ये इस आ, कहानी की हमने अभी रीडिंग की है चलिए मैं आपको इस कहानी का सारांश समझाती हूँ एक राजा था वह कपड़ों के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर सकता था लेकिन दान नहीं दे सकता था उसके राज दरबार में गरीबों विद्वानों सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी एक समय की बात है उस देश में अकाल पड़ गया पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे राजा के पास खबर आई लेकिन वह यह कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया कि यह तो भगवान की मार है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है जब लोगों ने बहुत विनती की तो वह कहने लगा लोग कभी अकाल से पीड़ित होंगे कभी भूकंप से इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा भंडार खत्म हो जाएगा मैं दिवालिया हो जाऊंगा राजा की बात सुनकर लोग निराश होकर चले गए इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा था ना जाने कितने ही लोग भूखे भूख भुक से मरने लगे लोग फिर राजा के पास पहुंचे उन्होंने बहुत विनती की सिर्फ दस हजार में ही काम चलाने को कहा लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी एक व्यक्ति से रहा नहीं गया बोल पड़ा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन पीड़ितों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी यह सुनकर राजा का क्रोध राजा को क्रोध आ गया लोग डर गए और वहां से चले गए उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोला इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है 2 दिन बाद राजसभा में एक पूरा सन्यासी आया उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा सन्यासी की इच्छा पूरी करो जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो सन्यासी बोला मैं राजकोष से बीस दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है मैं पहले दिन तो मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दोगुना फिर तीसरे दिन उसका दोगुना फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दोगुना इसी तरह से प्रतिदिन दोगुना लेता चाहता हूँ भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है वह आगे बोला आज मुझे एक रुपया दीजिए फिर बीस दिन तक दोगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए राजा तैयार हो गया उसने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार बीस दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे सन्यासी खुश होकर लौट आया राजा के आदेशानुसार राज भंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा दो सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है वह चिंतित हो उठा उसने यह बात मंत्री को बताई मंत्री भी चिंता में पड़ गया उसने भंडारी से बोला यह क्या कह रहे हो अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया भंडारी ने हिसाब करके बताया दस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पचहत्तर रुपये सुनते ही मंत्री घबरा गया सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है जब राजा ने पूछा वह कैसे तो मंत्री ने कहा महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से दस लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है राजा के होश उड़ गए राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा में बुलाया गया उसके आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा बोला मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए अगर आपको बीस दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा फिर आज काज कैसे चलेगा सन्यासी ने गंभीर होकर कहा मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल पचास हजार रुपये चाहिए वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है राजा ने रकम कम करने को कहा लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा आखिरकार लाचार होकर राजकोष से पचास हजार रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची पूरे देश में राजा के दान की खबर फैल गई और सभी अपने राजा की तुलना कर्ण से करने लगे अर्थात ये एक ऐसे राजा की स्टोरी थी जहाँ पे वो अपनी प्रजा की पहले तो मदद नहीं करना चाहता है उसी को सबक सिखाने के लिए सन्यासी आते हैं ठीक है जहाँ प्रजा उनसे सिर्फ दस हज़ार मांग रही थी सन्यासी उसका चार गुना मतलब बोल सकते हैं कि वो पचास हज़ार मांगता है अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए ठीक है तो आशा करूँगी आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी ठीक है जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे यह शब्दार्थ दिख रहे हैं ठीक है थीके? मैंने शब्दार्थ में कुछ शब्द दिए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको याद भी करना है ठीक है अभी मैं आपको क्लास वर्क के रूप में जो आपकी क्लास वर्क शीट है जो अभी आपको कॉपी में करना है वो बता दे रही हूँ ठीक है जैसे कि यहाँ पे कहानी से प्रश्न है ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही मैंने कुछ कुछ प्रश्नों को दिया है आपको अभी करना है ठीक है कहानी से क ख ग घ आपको करना है ठीक है नीचे चलते हैं अंदाज अपना अपना से क ख करना है ठीक है जिम्मेदारी अपनी अपनी जैसा कि यहाँ तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी मंत्री का क्या होगा वो बताना है भंडारी का क्या होगा वो बताना है ठीक है कर्ण जैसा दानी ठीक है सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दा जैसे ही दानी है पता करो कि कर्ण कौन था कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है दान क्या होता है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं ये आपको खुद बत करना है ठीक है कहानी और तो ये आपको खुद से करना है। कैसा राजा ठीक है पूरब और पूरब जैसे यहाँ पे दो शब्द दिख रहे ना पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यास से मरने लगे ठीक है तो यहाँ पे पूर्व शब्द के दो अर्थ दिए तो पहला है दिशा दूसरा है पहले तो यहाँ पे जो नीचे जो आपके शब्द दिए हुए हैं जल मन मगर आपको क्या करना है नीचे आ, ऐसे कुछ आ, और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं ठीक है ठीके? आपको इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाना है ठीक है ओके नीचे चार दिशाओं के नाम लिखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको क्या करना है तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है वो आपको तालिका में भरना जैसे घर के पास क्या है पूरा में घर के पास क्या पड़ेगा स्कूल के पास क्या पड़ेगा पश्चिम में घर के पास क्या पड़ेगा पश्चिम में स्कूल के पास क्या पड़ेगा उत्तर दिशा में घर के पास क्या पड़ेगा और स्कूल के पास क्या पड़ेगा दक्षिण में क्या पड़ेगा घर के पास और स्कूल के पास तो वो आपको खुद से भरना है ठीक है चलिए आशा करूँगी आपको आज का क्लास वर्क भी समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है चलिए हम आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे तब तक के लिए बाय